अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़रा बच के रहना में आपका मेज़बान मुश्ताक सिंधी हाजिर खिदमत है। आज हम आपको हल्का NA 120 में लेकर आए हैं, जहां पर बहुत कांटेदार मुकाबला है आवाम का भी और पार्टियों के भी। इसमें मुख्तलिफ सियासतदान भी आते हैं। आज हम आपकी किस सियासतदान से मुलाकात करवाते हैं, तो आइए हम आपको दिखाएंगे कि वो कौन सा सियासतदान है। इससे पहले हम आवाम की राय लेते हैं कि आवाम के इसके बारे में क्या ख्याल है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम जनाब? मेरा नाम मोहम्मद असगर है जी। मोहम्मद असगर साहब, क्या हाल है आपके? आप ये बताएं कि जी आपके इलाके में कौन सी पार्टी इस वक्त अरूज पे है? मियां नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो अरूज पे है। इंशाल्लाह हम उनको वोट देंगे और उसी को कामयाब करेंगे। अच्छा, उसी को कामयाब करेंगे। लेकिन आप ये नहीं चाहते कि पढ़ी लिखी आवाम आए, पढ़ी लिखी पार्टियाँ हैं, दूसरी पार्टियाँ हैं? दूसरों ने हमको क्या दिया है जी, सब ये लोग जो है। अब देखें जी, ये क्या बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। मैं पिंडी से चला हूँ और आप भी जरा इधर रखेंगे मुंह, ताकि लोग आपको ही पहचाने। आप मुझे तो पहचानते नाजरी, इनको पहचाने। ये है शेख रशीद साहब, पिंडी से चले हैं। क्यों चले हैं? देखिए जी, शेख साहब बात करें, आप पिंडी में रहें जी, आपका हल्का उधर है, आप उधर रहें, आप उधर सियासत करें, इधर आपका कोई हक नहीं है। मेरी बात सुने, वो हल्का ये भारी है। जब ये सारा पाकिस्तान जो है वो शेख का है, और शेख ने 8वीं जमात में कार्ड बनवाया था, और जब से अब तक फ्री सफर कर रहा है, उसे जरूरत नहीं है कोई अपने पैसे लगाने की। लेकिन शेख साहब, नवाज शरीफ साहब का है जी। देखिए वो सही कह रहे हैं, ये हल्का नवाज शरीफ साहब का भी है, ये हल्का नवाज शरीफ साहब का भी है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपने 8वीं जमात में कार्ड बनाया था, लेकिन हमने तो सुना है कि जनाब वो तो शनाख्ती कार्ड नहीं था, बल्कि वो तो राशन कार्ड था। राशन कार्ड की आप बात ना करें, राशन शेख को फ्री मिलता है। देखिए जब मैं घर से अपनी लाल वैली से नीचे उतरता हूँ, नीचे रेडियो से खाता हूँ, खाते खाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है आज तक शेख ने ये देखे सिगार भी नहीं लगाया। 3 माह से एक ही सिगार चल रहा है। वैसे एक बात बताया जी, शेख साहब पार्टी बदलते रहते हैं, देखिए सिगार कभी नहीं बदला, ये कोई बात है करने वाली? आप जवाब देंगे कि आपका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो जवाब देंगे कि शेख के सामने बड़े बड़े रह जाते हैं तो कुछ भी नहीं रह जाते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये ना ये सियासत का नियोमी है, लिबास भी नहीं बदला। ये आप लगते हैं आपके पक्के नूर देखे, इसने मुझे मेरे लिबास के अभी दिलवा के हैं। धोबी को मैंने पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं लिबास तब्दील करके आया। हां जी, कब देंगे पैसे? वो क्यों, शेर तो खाते ही मुफ्त का है। अच्छा मेरी बात सुने, इधर आए काका की बात, क्योंकि ये नहीं खा सकते मुफ्त का। आप इधर आ जाओ, ये मुफ्त ही है। शेर बात करेगा, एक एक करके जवाब दें जी, एक एक करके शेख साहब को जवाब दें, एक एक करके शेख साहब को जवाब दें। हम आपकी बात सुनेंगे भी और आवाम तक पहुंचाएंगे, लीडरों तक पहुंचाएंगे, ठीक है जी? जी बताएंगे। मैं ये जानता हूँ शेख साहब ने अकेले नवाज शरीफ से मत्था लगाया और उसको असेंबली से भगा दिया, खुद नहीं भागा। ये भी शेख है, ये भी शेख है, शेख शेख की साइड लेगा जी। वो कह रहे हैं कि शेख शेख की साइड लेगा, किसकी साइड ले? शेख शेख की साइड लेगा। शेख जब निकला था टांगे पे, कल ही सवारी थी, एक अकेले बंदे ने जाकर असेंबली में वजीर आजम से मथा लगाया है, तो क्या ख्याल है, आप शेख को मानते हैं? मानता हूँ। और जिसको मैं इस वजह से शेख बनाऊँ, इमरान खान ने मुझे कहा था कि तू चपरासी नहीं बढ़ सकता, मैं चपरासी नहीं था, मैं वजीर आजम तक पहुँचा हूँ। इमरान खान जी जिंदा था। अच्छा ये बताया, वोट किसे देंगे? वोट इमरान खान का। लो जी, वोट इमरान खान, ये वोट इमरान खान का। तो हम वो इसकी वजह क्या है जी, आप शेख है, ये शेख है, इसलिए उनकी साइड लेगा। तो राणा की साइड ले, राणा की तरफ है ये साहब, आपकी तरफ है जी। मैं तो शेर की तरफ। पढ़े लिखा बंदा है, इसी पे बात करेंगे। ये पढ़े लिखे बंदे हैं जनाब, यकीनन ये पीटीए की बात करेंगे जी। सर किसको वोट देना है आपने? मैं शेख रशीद को दूंगा। शेख रशीद नहीं है, शेख रशीद साहब तो जनाब पिंडी में, इनको तो पिंडी में हल्का है। इमरान खान नहीं कर रहे, हम सिर्फ लोगों की राय। इसकी वजह इमरान खान को वोट देने की वजह, नए लीडर आने चाहिए भाई, नए लीडर आने चाहिए उनको। ये पिंडी से पैदल ही आए हैं। मैं बताता हूँ मैं आपको, किसने कहा है? बात कहने की ये है, देखें 4 साल आपने नवाज शरीफ को आजमाया है ना, तो अब 8 माह में आप कैसे कहते हैं कि तब्दीली आ जाएगी? क्या तब्दीली आएगी? बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, जैसे कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान बनेगा। हाँ। हम चाहते हैं कि रोड अच्छा बने, हमें रोज़गार मिले, जैसे हम बाहर जाके रोज़गार लेते हैं, हमें चाहिए कि वहाँ से आके हम पाकिस्तान में रोजगार लेना चाहिए। देखिए आप अभी दाता साहब जाए, बड़ा रोजगार है, नया पाकिस्तान बनेगा, उन्हें मरा छुड़ा करानी है ना, कंधा दीवारों ने ये जवाब उन्हें कलियां करानी है, और नवा जी में बनेगा पाकिस्तान का जवाब कौन देगा? बताएं बताएं जी, डीजे दिए बन जाएंगे दसवें पैर से अपने करेंगे
देखें बात ये बालों वाले की नहीं हो रही, आप ये सोचें शायद मैंने भी टीके लगवाई हुई है, आप इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। हर बंदा अंदर से गंजा ही होता है, लेकिन अपना ये कह रहे हैं कि जी ये नौजवान आग लगा दूं। बात सुने जनाब, ये जो हमारे नौजवान साथी है ये पीटीआई की तरफ के हैं, ये कह रहे हैं कि जी हम पीटीआई को वोट देंगे, इमरान खान को वोट देंगे, डॉक्टर यास्मीन की तरफ आ गया जो ठीक है। शेख साहब आप इसको जलाते क्यों नहीं है? पैसे नहीं होते शेख साहब, मेरी बात सुन ले। सुने मैंने इसको लेमिनेशन करवाया हुआ था कि ये खराब ना हो, तो शेख कैसे इसको आग लगा सकता है, खुद सोचे। शेख ने तो कहा इस बुलेट में आग लगा दो, जलाओ गिराओ, ये कोई बात नहीं, सिगार को नहीं लगानी, बाकी जलाओ गिराओ करो जो मर्जी करो, जनाब कैसे आपको कोई नहीं जानता, आप क्या हो? मुझे कोई जाने ना जाने, शेख रिज को कौन जानता है? शेख की यहाँ कोई पार्टी नहीं है, मैं आया हूँ नून लीग और ये दूसरे जो जमाते खड़ी उनके। आप इनसे पूछे पढ़े लिखे बंदे हैं, आप क्या कहेंगे कि आपको ये कैसा लग रहा है आज जो वोट डाले जा रहे हैं? ये एक नया चैलेंज है और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हकदार है उसको उसका हक देना चाहिए और एक दूसरे को आगे सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई काम कोई अधूरा छोड़ा हुआ है पहले उससे वो काम पूरा करवाएं, शेख साहब ये भी आपका फर्ज है। अच्छा ये बताएं छोड़े, ये जो नवाज शरीफ को नाहल करवाया मैंने ये कैसा लगा? ये मुझे अच्छा नहीं लगा भाई जान, आप बताएं। बात ये है कि मियां साहब के जैसे इस दौर में इन 4 सालों में उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट लिए हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर आपका ऑपरेशन करवाया है, मेरा ज़र्बे अज़म, आपका नहीं, आपका नहीं, ज़र्बे अज़म का ऑपरेशन, कराची का ऑपरेशन करवाया है, यहाँ पर सड़कें बन रही हैं। अब उनका कुछ काम जो है ना एंड टाइम करने का वक्त आ गया है, तो ये जो काम रह गए उनके हाथ से हम चाहते हैं वो आप पूरे करवाएं। देखिए अगर आप अगर ये धरने में शामिल हुए हैं, आपने वो धरना भी इमरान खान के साथ पूरा करवाया है, तो हम चाहते हैं ये जो मोहल्ले के काम है, सूबे के काम है, अब ये नया नया काम बर्मा का चला है, हम ये चाहते हैं हम एक दूसरे से लड़ने की बजाय उनको साथ लेके आगे बढ़े, ताकि ये कहें कि यार ये काम खत्म करें, ये काम खत्म होने चाहिए। देखिए मुझे आपकी बात सबसे अच्छी लगी है, जो बर्मा में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, हाँ जी, इस वक्त हमने साथ, हम सब उनके साथ हैं, हमने हम उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। उम्मत मुसलमान को एक हो जाना चाहिए, बिल्कुल, इसीलिए शेख रोता है पीटता है कि एक हो जाओ, एक नहीं हो गए तो ऐसा होगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, अब ये बताएं कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे इमरान खान के, देखिए इमरान खान वजीर आजम बनेगा तो लाजमी बात है सदर में, हम उनको भी वेलकम करते हैं, हमने मियां साहब को वेलकम किया, हम आपको भी वेलकम करते हैं, मतलब पहली सवारी को वेलकम कर रहे हैं? नहीं आप वजन तो कम हो जाए, मैं बताता हूँ शेख साहब, अकेली सवारी नहीं है, बाकायदा आपकी मोटरसाइकिल भी चलाने वाला होता है। वो बात आप गलत कर रहे हैं, वो जब मैं मोटरसाइकिल पे बैठा था वो एक अजीब समा था, ये भागे बहुत अच्छा था। क्या बात कर रहे हैं, तो और तेज भागेंगे, बिजली का नाम शेख बिजली बन जाए, लग रहा था बहुत खा पी के भाग रहे हैं। सुने मैंने डाइटिंग शुरू की है, 25 नान से मैं 23 नान पे आ गया, 2 नान कम कर दिए मैंने, और इंशाल्लाह ताला मेरा डाइटिंग करेंगे तो इनकी शादी भी हो जाएगी, और अगर शादी हो गई तो हो सकता है कि वो भाईजान क्या कराते जी, आप क्या कहने कराते, शादी क्यों नहीं कराते? 100 मसले मसाइल होते हैं, कई फनी खराबी होती है, देखो अब मेरी उम्र शादी करवाने की, आगे आओ तुम, देखो नवाज शरीफ कहता हमें तुम पर नाज है, हमें तुम्ही से प्यार है, ना शेख इनकार करता है ना इकरार करता है, मुझे फिर भी गुमान है शेख मुझसे प्यार करता है। आपने अच्छी बात की, 4-5 साल में शेख शुगर करे, आप असली शेख साहब नहीं है, शुगर करे आप असली शेख साहब नहीं है, नहीं तो आपको ना आपका वो हाल करना था इधर के, किसी ने ना आपको छुड़ाना नहीं था, डंडे मारने थे, बारिश करनी थी आपका, ये मियां साहब का हल्के है, यहाँ पे सिर्फ मियां साहब ही आ सकते हैं। खुदा की कसम खा के कहते हैं, हम खुदा को हाजर नाजर जान के कहते हैं कि आप 500 बंदे में भी होंगे आपको डंडे मारेंगे। लेकिन एक मैं शेख साहब, मैं एक बात, एक मिनट हाँ वो इसलिए बात कर रहे हैं, मैं एक मिनट भाई जान आपकी बात भाई, जो मियां साहब का आपने किया ना आपको ये कौम बख्शेगी नहीं, जो आपने किरदार किया है
आपको नहीं बचेगी। बाजी आप बात कर रहे हैं, बात ये दरअसल बात ये है, इस मैं बताता हूँ कि इस वक्त जो है अंडे जो है, अंडे और डंडे की बात कर रहे हैं, अंडे जो है 96 रुपए दर्जन है, जेडे गंदे अंडे बड़े महंगे हो गए हैं भाईजान, 500 दर्जन भी हो गए हम इन्हें मारेंगे, 1000 रुपए दर्जन हो गए हम आपको मारेंगे। बात सुने शेख बेचारा की करे, ठंडा पानी लो जी। शेख साहब भाईजान तुम्हारी गल, एक मिनट शेख साहब की बात को सामने रखते हुए मुझे एक शेर याद आ गया है कि आ टंगा पा टंगा बीच टलम टलियां, पहले नहा गई तो फिर नान चलियां, इसे लिए ना सीधा टलिया। जब मेरा होश इनके नसीब अच्छे हैं, ये असल नहीं है, बस आपकी अजमत तो सुना। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपको सलाम है, अल्लाह इमरान खान की हुकूमत आ गया, ये सड़कें सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी इमरान खान का नाम सुना है लोगों ने, काम शुरू हो गया। इस एरिया में जो काम पहले नहीं हुआ था, ये गली सारा खराब होता, अभी इमरान खान आ गया, हुकूमत आ जाएगा, इंशाल्लाह काम सही हो जाएगा। शेख साहब ये क्या कह रहे हैं? ये देखे खान साहब ने जो बात भी की है ये अच्छी बात की है। देखे अगर खान साहब आते हैं तो लाजमी शेख की बारी भी आएगी। शेख ने सदर बनना है, इमरान खान वजीर आजम बनेंगे और मैं इनको अपना मुशीर रखूंगा। हमारा खैबर पख्तूनख्वा में बहुत काम किया, लोग उस्ताद डिप्टी सही करते हैं, पुलिस के डिप्टी सही हो गया, चौकस हो गया, अस्पतालों में सही हालात सही हो गया। हम पहले नेशनल पे था, इंशाल्लाह पीटीआई वोट देगा, कभी किसी को और वोट नहीं दे, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जब आएंगे इनको बहुत डंडे पड़ेंगे, पीटीआई को बड़े डंडे पड़ेंगे। शेख साहब आपके सामने आपके लिए डंडे तैयार है, डंडे मुझे गरम गरम अंडे खिलाए, नहीं डंडे तैयार है, डंडे आपको पड़ेंगे। पिछली बार में आए हूँ, लोगों ने मुझे जूते दिखाए, उन्होंने कहा कि जूते महंगे हो गए हैं। देखें आप जूते, वो पटों का डायलॉग बोल रहे हैं आप इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। मैं पीछे नहीं लगा हुआ, मेरा टांगा पीछे को बैठा हुआ है, टांगा पीछे को बैठा हुआ है। चलो बाबा जी, इमरान खान ने पता क्या कहा था आपको कि मैं आपको अपना चपरासी भी नहीं रखूंगा। चपरासी का उसी ने मुझे वजीर आजम का इलेक्शन लड़ा दिया। वजीर आजम वो आप तो काउंसलर भी नहीं बन सकते, तो फिर मुझे वजीर आजम का इलेक्शन क्यों लड़ाया उस बंदे ने? कहाँ लड़ाया आप? देखे मैं था उधर, पूरी असेंबली थी। ओहो शेख साहब, मैं बताता हूँ इनको वजीर आजम का इलेक्शन नहीं लड़ाया, उन्होंने को पूंड लड़ाया है। जी भाईजन, आपका नाम जनाब? जुल्फकार साहब, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ 45 मेरी उम्र है, 45 मेरी उम्र में इस आदमी ने ये मियां नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। आज वो बस इकदार से नहल हुआ है, नहल करार दिया गया है, तो वो कहता है गरीब तैयार हो जाए अपने घर लेने के लिए। जब ये वजारत में होते उस वक्त इनको गरीब नहीं नज़र आता, इसके अपने हल्के में काम नहीं हुए। कि मैंने पीछे एक गली में दिखा उसके ऊपर लिखा हुआ था शुक्रिया नवाज शरीफ मियाँ, सॉरी इमरान खान। वो गली सारी ज़िंदगी इसका हल्का है, वो गली नहीं बनी, आज वो इमरान खान ने गली आके बना दी। ये कहते जी हमें फिर नौकरी दो, फिर हमें आने के। इमरान खान तो पहाड़ों से नीचे नहीं उतरा, उधर आप देखेंगे टैंगी पूरे पिशावर में और पूरे खैबर में टैंगी फैला रहा है, वो खुद नहीं चल रहा है। नहीं मुझे बताएं लाहौर में टैंगी है? ये कैसी बात मैं कर रहा हूँ, मैं तो इमरान खान का साथी हूँ, गलती होगी। और क्या हाल चाल है आपके? मेरा सर ये बदलो। क्या सर बदले? नहीं ये इसके साथ, इस सर के साथ कोई नहीं बदला जाएगा, दूसरे को आने दो, मौका दो। देखें मौका दो, वोट किसके पास है मुझे ये बताएं, वोट किसने देना? इमरान खान नहीं, वोट आवाम देगी ना, तो आपकी आवाम ही है ना? जी आवाम ही, आवाम देगी वोट इमरान खान एक मरतबा, एक मरतबा बस। चलिए हाँ जी बाबा जी, आप कह रहे थे? मैं सिर्फ एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि शेर कहोगे तो नस जाना है। शेख इतना ही रख के दिल से मर जाए, इस कदर में ना चाहो कि नवाज शरीफ का दम निकल जाए। जी बाबा के ना की ताड़ियाँ हो जाए तेरा जोर से भाई जो। जी जनाब क्या हाल है जी? शेर को वोट दे, ट्रैफिक ब्लॉक करती है, शेर को वोट दे रहे हैं, ट्रैफिक ब्लॉक होगी क्यों जो, थोड़ा शेख साहब उधर हो जाओ प्लीज, उधर हो जाओ। जी जी बहुत अच्छा काम किया है शेर ने, तो सारी जिंदगी उसको वोट देते आ रहे हैं, तो अब भी उनको वोट देंगे शेर को, इसलिए हमें वो बहुत पसंद है। वो ज्यादा खाते हैं इसलिए आपको लगता है कि जैसे आप खा रहे हैं माशाल्लाह फैल गए हैं। छोड़ो कोई ख्याल नया लाओ, देखो मैं भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता हूँ, मेरी तरफ भी देखो, मैं नजर नहीं आता आपको।
बाद में बात करते हैं इसके बारे में आप। तो आप किसको वोट देंगे? शेर को ही देंगे वोट। देखे नाजरीन, शेर की आवाम कितनी है और पीटीआई की आवाम कितनी है, बले की आवाम कितनी है, यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद की आवाम कितनी है आपके सामने, सब अपने अपने तासुरात दे रहे हैं। असी इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देना है। इमरान खान जो है उन्हें एक दफा चेक करना है कि कैसा बंदा है। वजह क्या है आप? वजह यही है, क्रिकेट खेलता है। वजह क्रिकेट क्या, उसने एक अच्छा काम किया, क्रिकेट भी उसने जिताया है, वर्ल्ड कप जिताया है। पाकिस्तान को हमने बार बार मियां साहब को चेक किया है, बार बार जो है जरदारी को देखा है, एक दफ़ा चांस देना चाहिए इमरान को भी देखना। कोई जुर्म तो नहीं है, कोई बुरी सी बात तो नहीं है ना, वो भी इंसान है, हमारी दुनिया में है वो। आपको इमरान नजर आता है? इमरान नजर आता है, शेख नजर नहीं आया। जब इमरान बनेंगे तो इमरान का साथ आप दे रहे हो ना, आप ही वजीर आजम बनोगे, क्यों नहीं बनोगे आप जब साथ दे रहे हो उसका? बात तो ये है कि इमरान को चांस देना हमारा फर्ज बनता है, हम अवाम है, हमारा हक है पूरा, कोई खौफ नहीं है किसी से भी। लेकिन यहाँ पे पीपीपी तो खड़ी है, उसके बारे में क्या तासुर है आपके? उसको भी चांस मिल चुके हैं बहुत, ज्यादा कोई रिस्पांस नहीं दिया उसको। आपने वोट भी उल्टे किए हुए हैं, ये क्या हमने नहीं उल्टे किए, ये तो अल्लाह ने उल्टे किए हैं। हमने क्या उल्टे किए? हवा चली है, आंधी चली, उल्टे हो गए, ये तो अल्लाह देख रहा है। वो उल्टा है, वो सीधा है, वो देखे नहीं, वो आप देखे ना शेख साहब, वो सीधा है, वो उल्टा है। मौसम नकवी साहब ने कहा हवा चली तो मेरा आरजी मकान गया, तनाबे खींच रहा था मकान। बर्मा में जो हो रहा है ये सब अजाब अलाई है, ये जो मियाँ साहब हम उनके भी मौसम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला ये कि उनको बहुत दफ़ा चांस दिया है, अब इमरान खान को चांस देना हमारा फर्ज है, हमारा हक है, हमें अपने हमारा। चलें जी, चलें देखते हैं कि कौन से। जी 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 जनाब, आइए जनाब, आपका नाम जनाब? जी भाई, मेरा नाम जावेद। जावेद साहब, आप किसको वोट देना चाहेंगे, कि पीटीआई को या नून लीग को या पीपल्स पार्टी को? यार हमने तो 20 साल से नून लीग को वोट देता रहे, लेकिन अब हम इमरान खान को वोट देंगे। वजह ये है कि 20 साल में कुछ भी नहीं हुआ। देखो दुनिया में मियाँ साहब कहते मुझे 2-5 साल नहीं मिला, 4 साल नहीं मिला, और मलेशिया के अंदर 6 साल में इनकलाब आ गया। आपको क्या 100 साल दे दे? आपको कितना साल दे दिया? आपको दे दिया 2-3 साल दे दिया। अब हमने इमरान खान को वोट देना है आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? हाल है भाई, आप किधर से आए जनाब? हमें कराची से आया हूँ। कराची से आए हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि हल्का एन ए 120 में है, किस पार्टी की पोजीशन सही है? भाई मैं बताता हूँ, ये क्या आप कराची से आए हैं? हाँ छोड़े जी, कराची वाले तो सारे एमके हैं, आपको पता है। तो आप लाहौर में किस लिए आए हैं? पहले तो मैं एक बात सुन ले, आप पहले तो मैं एक बात सुना, ये भाई आप क्या ज्यादा करेंगे घर के? ज्यादा तो सुना नहीं लगे, आप शादी तो कर नहीं सके आप। अरे आप क्या इजाजत करेंगे भाई? देखे मुझे छोड़े, आप ये बताएं कि लाहौर में किसका जोर जा रहा है? अरे भाई जोड़े, लाहौर को जोड़े, भाई को देखे, आप भाई को देखे क्या काम करते हैं भाई? आप हम हल्का एन 120 में खड़े हैं, इसकी बात करें आप, भाई को छोड़े। अरे भाई हल्का एन 120 हो या 140 हो, 150 हो, हम तो बस भाई को जानते हैं। यहाँ पर किस पार्टी की पोजीशन मजबूत है? भाई देखें, ये भाई को नहीं छोड़ेंगे, आप इस भाई से पूछें, आप बताइए आप किसको, बात तो सुने कहाँ चले। हाँ बोलो भाई, इधर इनकी बात सुने ना। हाँ जी, क्या हाल है जनाब? जी आप किधर से हैं जनाब? हम तो बिलालगंज के हैं। बिलालगंज के हैं, कैसे हैं आप? ये जो हल्का एन ए 20 से आपके इलाके में भी आता है? हाँ जी। तो वहाँ पे किस पार्टी की पोजीशन मजबूत है? डॉक्टर यास्मीन साहब के। डॉक्टर यास्मीन राशिद की, ठीक है जी। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है जी, मुस्लिम लीग को वोट ज्यादा मिलेंगे या अपना पीटीआई को वोट ज्यादा मिलेंगे? अल्लाह डॉक्टर यास्मीन जीतेगी। बात देखिए, आपने शेख के दिल की बात कर दी है, हमने उसको ही वोट। आप बात सुने, देखे लोग बात नहीं सुनना चाहते, आप ये बताएं कि आपको क्या नजर आता है कि पीटीआई मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? पीटीआई सारा मुल्क बदलाएगा इंशाल्लाह इमरान खान। शेर ने कुछ भी नहीं किया, शेर ने सिर्फ दानली की है ये पनामा में। ये लाहौर में सड़कें बनी है, सड़क हम खाते हैं, सड़क हमको रोटी देते हैं। सफर करते हैं या नहीं करते? हम सफर क्या करें, सफर हम अपने जाते आते वो बात करें कि कोई चीज सस्ती करे, कोई वो करे। वजह क्या है, आप क्यों देना चाहते हैं पीटीआई को वोट? वो है कि वो करप्ट नहीं है, डॉक्टर यास्मीन बड़ी अच्छी औरत है, बड़ी अच्छी होती है। हमारे उधर बिलालगंज में सारे पठान जो है ना, वो सारे डॉक्टर यास्मीन को वोट देंगे। चले वो तो वाले, अगर उसे यास्मीन को देते हैं तो वोट पीटीआई को गया ना, जीतेगा भी इंशाल्लाह। और आप भाई, आप मेरे को पहले एक बात बताएं, आपका अपना एजेंडा क्या है? देखिए मेरा एजेंडा यही है कि पाकिस्तान में नून लीग तो रहे नहीं। हाँ। उसके बाद जब हुकूमत आएगी वो इमरान खान की आएगी, इमरान खान वजीर आजम है और शेख रशीद अपने आप को सदारती महल में देख रहा है। आप पहले अपना घर बसा रहे फिर बात कीजिएगा कोई और। सदारती महल में नहीं, आप मीर महल में हैं। मुझे लग रहा है इसे मुस्तफा कमाल ने सिखा के भेजा। बोला तो
قربانی سے پہلے قربانی ہوگی تو ہوئی قربانی سے پہلے کی قربانی ہوگی قربانی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے دس بکرے تیار ہیں ابھی اور ہیں آئیے سر آپ آئے آپ بتائیں گے آپ اس ہلکے سے کیا لیں گے ان سے پوچھے آپ اس ہلکے سے ہیں 120 سے تو یہاں پر جناب کس پارٹی کا زور زیادہ ہے ادھر ان شاء اللہ مریم نواز کا نواز شریف زندہ باد آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کے بس دیکھ لیں آپ کے سامنے سب کچھ ہوگا شیر ہی جیتے گا اتنا شیر نہیں ہے دیکھیں ابھی آپ کے سامنے یہ بھائی جان آپ دیکھ لیں ادھر تو جناب پی ٹی آئی کے بھی بینرز میں دیکھ رہا ہوں بینر سے کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں نا شیر شیر ہے شیخ صاحب کو مایوسی ہوگی شیر جیتے گا بس شیخ صاحب عوام کیا کہہ رہی ہے شیخ صاحب کیوں مایوس ہوئے دیکھیں شیخ صاحب کی ہمیشہ سن رہا ہے آپ کو اگلے والی سیٹ بھی نہیں ملی پنڈی والی شیخ صاحب نے بولا تھا قربانی سے پہلے قربانی ہوگی شیخ صاحب ہاری گئے یہ بتائے قربانی ہوئی کہ نہیں شیخ صاحب ہاری گئے دیکھیں ابھی دس بکرے اور تیار ہیں اور ان شاء اللہ فیصلہ نا سب نے قربان ہو جانا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نواز کی قوت آئے گی کسی کی اور شیخ تو شیخ صاحب اس دفعہ بکروں میں آپ ہی نہ شامل ہو جائے بکرا وہ جو دھوندا ہو اور میں تو بڑھا ہو چکا میری قربانی لگ سے ہی نہیں بعض مارے لوگ نا چھکے کی بھی کر لیتے ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ مجھے دیکھیں ہمارا پروگرام اس دفعہ چھکے کے کرنے کا ہے بزرگوں نے کہا چھکا کرو ٹھیک ہے صدر ممنون حسین بیٹھے ہوئے ہیں آپ پہلے اسے پکڑے آپ ان کے تو بات ہی نہ کریں کیوں اس کا آپ اپنی بات کریں جناب آپ کس حلقے میں کریں اس کی بات کریں ارے بات میری بات سن لو شیخ صاحب آپ چھوڑیے سیاست کیا کر رہے ہیں آپ سگریٹ جلائیے سگریٹ پیجیے اپنا سگار پیجیے یہ شیخ کا سگار ہے یہ چھ مہینے سے پہلے نہیں جلتا آپ کو پتا ہے 250 روپے کا اگر اس کو میں آگ لگا دوں تو پھر 250 کدھر سے ہے اچھا جی یہ بتائیں کہ آپ جو ووٹ ہیں اس کا پی ٹی آئی کو دیں گے کہ مسلم لیگ نون کو دیں گے جی اپنا ووٹ بھی مسلم لیگ نواز کو دیں گے اور اپنے دوستوں کا علاقے کا بھی ووٹ مسلم لیگ نواز کو دیں گے اور یہ جو پی پی پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے اس کا کیا ہے وہ یہ تو فارغ ہے یہ تو بس نام کے کھڑے ہیں جو بلو ہے آج کل بڑا تیز ہے وہ فارغ ہے کدھر سے فارغ ہو گئے یہ فارغ ہے ہر جگہ تو یہ فارغ ہے پیپلز پارٹی کا تو نام نشان ختم ہو چکا ہوا ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی اور شیر کا اور شیر انشاءاللہ بہت بڑی تعداد سے جیتے گا آپ بات سنیں ایک منٹ بات سنیں جناب آپ شیر کے جانے والے ہیں ذرا پنگڑا کر سکتے ہیں جی شیر دن آتے لو کر کے دفعہ میرے نال شیخ صاحب دیکھیں لو جی دیکھ لیا آپ نے یہ ہے یہاں پہ جذبہ ہے بات سن رہے یہ پنجاب میں ہے شیر اور کراچی میں ہے بھائی تو جو مرضی ہو رہا ہے پنجاب میں تو شیر ہے کراچی میں ہوگا بھائی جو مرضی ہو جائے اور یہ 120 کی بات ہو رہی ہے جناب اس کی بات کریں آپ یہاں پر لوگوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں بھائی کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں بھائی کر سکتے ہیں بھائی کے لیے ڈانس کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں عوام کے جذبات کراچی سے آنے والے بھی بھائی کے بارے میں سوچتے ہیں بلکہ اپنے پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں آج سنیں آپ اس سے بھی پوچھ لیں یہ بھی انسان ہے اور بچے کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہوں ٹھیک ہیں تو بیٹا یہ بتائیں کہ یہ جو نعرے بازی کس پارٹی کی زیادہ ہوتی ہے آپ تو بچے ہیں آپ تو شامل ہوتے ہیں ہر نعرے میں شیر کے نعرے ہوتے ہیں وہ کیوں دیکھیں آپ نے شیر کا نام لے کے شیخ کا دل توڑ دیا ہے بھائی آپ کہیں پی ٹی آئی شیخ نے پی ٹی آئی کے ساتھ رہنا ساری عمر آپ شیر کے جاتے ہیں مجھے ڈرا رہے ہیں آپ لو جی اگر شیخ رشید صاحب ادھر اس حلقے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ ووٹ دیں گے ان کو دو ووٹ بھی نہیں پڑیں گے دو ووٹ کیا مطلب ہے کیا ووٹ دوں گا ان کو ووٹ ہی کو نہیں پڑے دیکھیں جی نہیں مجھے کیوں نہیں پڑیں گے پوری قوم مجھے جانتی ہے پورا پاکستان جانتا ہے میں نے کہا جلاؤ گراؤ ساری دنیا میں انقلاب لے آؤ صاحب پھر بھی پنڈی سے کھڑا ہوگا انشاءاللہ 2018 میں جیتے گا پنڈی سے کھڑا ہوگا پنڈی کے لیے میں نے یہ بات میرے غور سے سن انشاءاللہ لوگ شیر کو ایسے سپورٹ کرتے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے لیکن اس بار کوئی بھی ووٹ نہیں دینا ہے صرف ڈاکٹر یاسمین کو لوگ ووٹ دیں گے بریک ڈالنا جی ٹھیک تو ناظرین اس وقت بریک کا ٹائم ہوتا لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد پھر آپ سے دوبارہ اسی موضوع پر بات کریں گے ہلکا NA20 میں ہم کھڑے ہیں تو لیتے ہیں چھوٹی سی بریک